बंदरों पर कई दशकों से टेस्ट किए जा रहे हैं। हर साल पूरी दुनिया में हजारों बंदरों का इस्तेमाल रिसर्च और टेस्टिंग में किया जाता है। मुख्य रूप से इनका इस्तेमाल इंसानी दवाओं और वैक्सीन की सुरक्षा और उनके असर को जांचने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ब्रेन के फंक्शन से जुड़ी रिसर्च में भी इनका इस्तेमाल होता है। कई देशों में एप्स पर टेस्टिंग बैन कर दी गई है, पर बंदरों पर प्रयोग आज भी जारी हैं। जबकि हम जानते हैं कि बंदर भावनाएं वैसे ही महसूस करते हैं जैसे हम इंसान, उन्हें दर्द महसूस हो सकता है, मानसिक यातना और तकलीफ का एहसास भी। इंसानों से मिलते जुलते होने की बंदरों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। पूरी दुनिया में अनगिनत बंदरों पर टेस्ट किए जाते हैं, बुनियादी तौर पर दवाओं और वैक्सीन के लिए। बंदर इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं और उन्हें दर्द महसूस होता है। दुनिया में अनगिनत ऐसी संस्थाएं हैं जो लैब्स में बंदरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनका कहना है कि यहां थोड़ी मानवीयता दिखाई जानी चाहिए। बंदर अपने हैबिटेट में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। वो फूलों को पॉलिनेट करते हैं और उनके बीज बिखेरते हैं, और इसलिए ये बहुत अहम प्रजाति है। इसलिए इनकी हिफाजत की जानी जरूरी है।